टिहरी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर पहुंचे, जहां चौरास इंटर कॉलेज में उन्होंने 37 करोड़ की लागत से बनने वाले जाखनी चौरास पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई योजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत और देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी मौजूद रहे। गंगोलीहाट सीएससी में तैनात एएनएम और समस्त सीएससी स्टाफ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और बीपीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर इन्हें न हटाए जाने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सभी ने सीएमओ, एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपा और बताया कि इन लोगों के द्वारा लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तीनों को हटाने के निर्देश दिए। अब हमारी एमओआईसी द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके सपोर्टर में हमारे वरिष्ठ लिपिक हैं, वो उनके सानिध्य में ये सब काम हो रहा है। और बीपीएम अवधेश कुमार ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। कोविड जैसी महामारी में जब हमने रात दिन काम किया, हमने 47,000 लोगों को टीका लगाया, हमें किसी ने कोई प्रशस्ति पत्र नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। लास्ट में हमारे लिए कभी डीएम से शिकायत की जा रही है, कभी हमारे लिए थाने में जाया जा रहा है। पोखरी तहसील में नायब तहसीलदार हिम्मत सिंह रौतेला को तहसील प्रशासन ने सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। 42 वर्ष की सेवा पर तहसीलदार ने हिम्मत सिंह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों से सभी को प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर लोगों का बड़ा प्रेम व्यवहार रहा है। कार्य करने में जो भी सरकारी सेवाएं वो थी, उसमें सब उन्हें सहयोग करके सहयोग दिया। हमारे स्टाफ ने भी अच्छा सहयोग किया। हमको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे अच्छे लोग हैं पोखरी में। समाज में इस प्रकार के लोगों की ज़्यादा उन्हें हो और उनको अंकुश लग सके ऐसे अपराधों पर और ऐसी कुरीतियों पर एक अच्छा संदेश जाए समाज में। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह टिहरी दौरे के दौरान टीएचडीसी गेस्ट हाउस बीपुरम पहुंचे, जहां उनका स्वागत जनपद के जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव और एसएसपी तृप्ति भट्ट और सीएमओ संजय जैन ने किया। टिहरी के प्रतापनगर की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर लंबगांव में जुकानी के पास क्षेत्रीय जनता ने चक्का जाम कर दिया। प्रतापनगर के राज्य आंदोलनकारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुरारी लाल खंडवाल के नेतृत्व में प्रतापनगर की जनता ने जुकानी के पास चक्का जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद धरनास्थल पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हम लोग के साथ एक पेशेंट भी हो गई है, ठंडा वहाँ केदारनाथ में ज्यादा था, इसके चलते पेशेंट हो गई है और आज यहाँ चक्का जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। और चक्का जाम वाजिब भी है, क्योंकि उत्तराखंड को पर्यटन का हब के रूप में जाना जाता है और पर्यटन का हब जहाँ है वहाँ रोड का स्थिति इतना नारकीय स्थिति है, तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। और यहाँ डबल इंजन की सरकार भी है, तो हम लोग को लगता है कि डबल इंजन का यदि सरकार है तो डबल रफ्तार में विकास होना चाहिए। प्रताप नगर की जितनी भी हमारे पास मोटर मार्ग हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, सारी सड़कों के सारे मोटर मार्गों की हालत बहुत खराब है। जगह जगह जो है सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं, डिस्कवर इनके बंद हैं और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। भाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह पर आपदा पीड़ितों के लिए कोई घोषणा न करने पर नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अनिल सेन ने कहा कि बीजेपी को उत्तराखंड से अपनी विदाई होते दिखाई दे रही है। जो आपदा के बाद उनका दौरा हुआ है, ना तो उन्होंने आपदा को लेकर कोई पैकेज की घोषणा करी है, बस सिर्फ ये भाजपा अपनी कुर्सी खिसकती देख उसे बचाने के चक्कर में इनके दौरे लग रहे हैं। ना ही तो बेरोजगार युवा मजदूरों के बारे में इन्होंने कुछ सोच रहे हैं और ना ही जो महंगाई का मुद्दा है ना वो कम करने के बारे में सोच रहे हैं, बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये उत्तराखंड के दौरे से उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि भाजपा द्वारा हमारी जो पहाड़ी महिला हैं उन्हें घसियारी का नाम दिया गया, ये बहुत ही घोर निंदा वाली बात है भाजपा द्वारा। जोशीमठ में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए अगले 6 माह के लिए बंद हो गई है। रविवार को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। वन विभाग के द्वारा बताया गया कि इस बार फूलों की घाटी का 9,500 पर्यटकों ने दीदार किया, जिससे वन विभाग को 13,50,000 रुपए की आय हुई है।
क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।